ऑनलाइन ठगी लालच में 90% इंजीनियर और पढ़े लिखे बने शिकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रिया पिपलीवाल और आप देख रहे हैं डिजिटल वीडियो न्यूज चैनल MP7 न्यूज। एक वक्त था जब साइबर अपराधी बुजुर्ग और कम पढ़े लिखे लोगों को निशाना बनाते थे। आज के अपराधी पढ़े लिखे और इंजीनियर डॉक्टर की जेब खाली कर रहे हैं। लालच में लोग लाखों रुपए की ठगी का शिकार हो रहे हैं। सबसे ज्यादा ठगी टेलीग्राम पर होने लगी है। राज्य साइबर सेल ने एक एडवाइजरी जारी कर ऐसे ठगोरों से सावधान रहने की सलाह दी है। राज्य साइबर सेल ने शुक्रवार को ही एक इंजीनियर युवती के 8 लाख रुपए वापस करवाए हैं। इस युवती से भी टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ठगी हुई है। मजदूर परिवार की युवती को ठग ने लाख सब्सक्राइब फॉलो करने पर कमीशन का लालच दिया और फिर झांसेबाजी करते हुए 10,60,000 रुपए ठग लिए। लालच भी ऐसा कि युवती दोस्तों से रुपए उधार लेकर ठग के खाते में जमा करवाती रही। युवती ने जब रुपए वापस मांगे तो आरोपितों ने संपर्क बंद कर लिया। साइबर सेल ने जांच की और गुजरात और महाराष्ट्र के बैंक खातों को फ्रीज करवा कर 8 लाख रुपए तो वापस करवा लिए। SP जितेंद्र सिंह के अनुसार इंजीनियर के साथ हुई धोखाधड़ी का यह अकेला केस नहीं है। इसके पूर्व भी देखने में आया कि 90% प्रकरणों में इंजीनियर डॉक्टर वाले ही ठगी के शिकार हुए हैं। कई लोगों ने तो बताया कि उन्हें टेलीग्राम ग्रुप पर होने वाली धोखाधड़ी की जानकारी भी थी, लेकिन ठग के जाल में फंसे और लालच में रुपए गवा बैठे। धोखाधड़ी के बढ़ते केसों को देखते हुए राज्य साइबर सेल ने एडवाइजरी जारी की है। टेलीग्राम पर अनजान प्रोफाइल, ग्रुप और चैनल से न जुड़े। क्रिप्टो करेंसी में निवेश, ज्यादा मुनाफा, जॉब, शॉपिंग में ऑफर्स के लालच में किसी खाते में रुपए जमा न करें। टेलीग्राम पर अनजान लिंक के माध्यम से ओपन हुए पेज, निजी जानकारी साझा न करें। टेलीग्राम पर अनजान व्यक्ति द्वारा बनाए ग्रुप में टास्क पूरा करने व रुपए कमाने के झांसे में न आए। KYC अपडेट, आधार, पैन कार्ड लिंक करवाने वालों से सावधान रहे। फोन व कॉल्स पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा पूछे जाने वाली जानकारी कतई न दे। खबरों की अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज।